चलिए आगे बढ़ते हैं। सांगोद के कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक भरत सिंह ने अपनी ही सरकार से खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को बर्खास्त करने की मांग रखी है। विधायक भरत सिंह का कहना है कि वो लंबे समय से खान की झोपड़िया इलाके में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो खान मंत्री और ना ही प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की है, जिसकी वजह से अवैध खनन के लिए जा रही बोरिंग मशीन हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ड्राइवर और खलासी की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में विधायक भरत सिंह ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि खान मंत्री के संरक्षण के चलते अवैध खननकर्ता दिन रात चांदी कूट रहे हैं, और ऐसे में ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने अपनी सरकार के मंत्री ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेच कर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। प्रमोद जैन भाया पर निशाना साधा है। इससे पहले भी वे कई बार मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ बयानबाजी और पत्र लिख चुके हैं। कह रहा हूं कि वहां अवैध खनन हो रहे हैं, तो इसका जवाब वहां के जनप्रतिनिधि और सरकार के खनिज मंत्री को देना चाहिए। अभी मैं सार्वजनिक रूप से मांग करता हूँ कि ऐसे खनिज मंत्री को सरकार बर्खास्त करे, या वो खुद अपना त्याग पत्र दे। त्याग पत्र देंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ केके शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केके, ये पहली बार नहीं हो रहा है जब भरत सिंह प्रमोद जैन भाया पर कोई आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में क्या अभी तक प्रमोद जैन भाया का पलटवार देखने को मिला है? देखिए आयुषी, बेहद गंभीर मामला है क्योंकि अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। भरत सिंह पूरी सरकार के अंदर सीनियरिटी में काफी ऊपर उनका स्थान आता है और इनकी बात का हमेशा सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन लगातार ये पिछले कुछ समय से खान की झोपड़ी इलाके में हो रहे अवैध खनन को लेकर के मांग उठाते रहे, पत्र लगते रहे हैं, सीएम से भी कई बार इस चीज को लेकर के शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई इन पर नहीं हुई थी। लेकिन इसी बीच में कल एक दर्दनाक घटना हो गई जब अवैध खनन करने के लिए एक बोरिंग मशीन पहुंची थी वहां पर, और वो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई थी, जिसके बाद में भरत सिंह मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। वहां पाया कि 100 से ज्यादा अवैध खनन के लिए बोर जो है वो किए गए थे, और जिसमें दिन रात ब्लास्टिंग की जाती है, और इसी का शिकार ये 2 लोग हुए थे। इसके बाद में भरत सिंह ने वापस से एक बार मांग उठाई है कि जो खान मंत्री प्रमोद जैन भाया उनका संरक्षण लोगों को मिला हुआ है, उनको बर्खास्त किया जाए। इस मांग को लेकर के भरत सिंह ने कल काफी गंभीर मामला है। के हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।